आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर हमारे लखीमपुर खीरी के फूलबेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में संदिग्ध अवस्था में एक युवती की मौत हो गई। यह युवती बीमारी से ग्रसित बताई जा रही थी, लेकिन आनन फानन में गन्ने के खेत में युवती की लाश जलाने के बाद से पूरे गांव में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अनुज शुक्ला की खास रिपोर्ट। दरअसल मामला फूलबेड़ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ के एक गाँव जो वहाँ पर एक 18 वर्षीय युवती को आनन फानन में गन्ने के खेत में ज्वलनशील पदार्थ डाल के जला दिया गया। मृतका 18 वर्षीय किशोरी का जो देर शाम से जलाने से तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब मौके पर जाकर ग्रामीणों ने जानकारी ली तो उनके मुताबिक मृतका जो मृतक किशोरी है लंबे समय से बीमार थी, लंबे अरसे से बीमार से ग्रस्त किशोरी की मौत हो गई थी। हालाँकि यह संशय जरूर है कि ऐसा आनन फानन में रात में क्यों किया गया। जब फूलमेड़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब परिजनों ने उसकी लाश को परिजन जला चुके थे। लेकिन खीरी के थाना फूलबेड़ के गांव की घटना है, हम आपको फिर से बता दें। लड़की जो युवती थी, मौत के बाद शव रात में जलाया गया। माँ बाप काफ़ी समय पहले ही मर चुके हैं। तीन बेटियों में दो की शादी हो चुकी है, तीन बहनों में दो की शादी हो चुकी है, मैंने बताया। और बहनों ही जो है घर जमाई बनकर घर में रहता था। लापरवाही की बात भी कही जा रही है। जो हल्का दरोगा गौरव सिंह पर लापरवाही का आरोप लगा है। ऑनर किलिंग या प्रेम में बेवफाई जैसी घटनाओं के लगातार सामने आने के बाद भी अगर पुलिस ऐसे मामलों पर भी कार्रवाई नहीं करती है तो ये चिंता का विषय ज़रूर बनता है। इस मामले में अगर गंभीरता से छानबीन की जाए तो ग्रामीणों की माने तो कुछ और भी सामने आ सकता है। नहीं आए रात में शव को आनन फानन में जला देना, उसकी वजह पुलिस को तलाशनी चाहिए। पोस्टमार्टम ना कराए जाने की वजह पुलिस को तलाशनी चाहिए। ऐसी बेहतरीन खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।